SRM टुडे शहर की आवाज। मंदसौर में सांप और नेवले की लड़ाई सड़क के बीचों बीच देखने को मिली। इस लड़ाई को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने सांप को बचाने के प्रयास भी किए, लेकिन नेवले ने लगातार लड़ाई कर सांप को बुरी तरह घायल कर दिया। आपने शुरू से यही सुना होगा कि सांप और नेवले की कभी नहीं बनती है। अगर ये दोनों जानवर एक दूसरे के सामने आ जाए तो इनमें जबरदस्त लड़ाई देखने को भी मिलती है। ये बात सही है, क्योंकि जब भी ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, वो लड़ाई करने पर उतारू हो जाते हैं। और अंत में सबसे ज्यादा बार यही हुआ है कि इस लड़ाई में सांप को मार नेवला जीत जाता है। इस लड़ाई में सांप का पलड़ा भारी होता है तो कभी नेवले का, लेकिन इस दौरान दोनों लहूलुहान हो जाते हैं, जिसके बाद सांप की मौत भी हो जाती है। ये लड़ाई भी लगभग 40 मिनट तक चलती रही, जिसके चलते लोगों ने सांप को नेवले से दूर करने के लिए नेवले को भगाने का भी प्रयास किया, लेकिन नेवले के वारों से सांप घायल हो गया और नेवला सांप को झाड़ियों के बीच ले गया। लोगों के द्वारा सांप को बचाने के प्रयास लगातार जारी रहे, जिसके बाद नेवला सांप को छोड़कर चला गया, लेकिन इस लड़ाई में सांप बुरी तरह घायल होकर असहाय रूप से सड़क पर पड़ा रहा, जिसकी शायद मौत भी हो चुकी होगी। जख्मी कर दिया पूरी तरीके से। भारत में यह हर जगह होता है। यहाँ पाए जाने वाले भूरे नेवले की संख्या बेहद ज्यादा है। इन पर सांप के जहर का असर भी बेहद कम होता है। सांप जहरीले कितना भी हो, पर इसका असर नेवले पर कम ही बार देखा गया है। पर यह भी देखा गया है कि इस खूनी संघर्ष में ज्यादातर नेवले खुद ही मर जाते हैं, क्योंकि सांप के जहर का असर उन पर कुछ समय के बाद होने लगता है, पर ऐसा बहुत कम बार देखा गया है। वैसे अन्य जानवरों की तरह सांप भी बेहद फुर्तीला होता है, लेकिन नेवले की बात करें तो वह बहुत अधिक फुर्ती से सांप के साथ लड़ाई करता है और पूरा प्रयास अपना दम उस पर लगाता है। ये भी ध्यान रखता है कि सांप उसे डस नहीं पाए। नेवले के इसी फुर्तीलापन की वजह से वह सांप के जहर से बच जाता है। जख्मी हो गया, थोड़ा इंजर्ड हो गया, अभी क्या थोड़ा सा भरा गया। कभी तो नहीं चला रहे हो? नहीं नहीं, सांप से बदतर नहीं देख इन्हें की जाइए, इन्हीं के सांप से बदतर है, इनके सांप से बदतर नहीं देखना। तो हाँ, मैं सांप देख लो, अब तो बच्चा ही था यार, मेरे तो मार देते वो, अभी तक अगर ये नहीं भगाते नहीं मार देते। हाँ यार, वो छोड़ नहीं रहा भाई।
आज ऐसे जानवर की बात करेंगे जो लड़ने के लिए मशहूर कहे जाते हैं, सांप और नेहुला। लगातार सांप और नेहुले की जब लड़ाई होती है, लगभग आधे से 35 मिनट से लेकर लड़ाइयाँ चलती रहती है, जिसमें बताया जाता है कि सांप कितना बड़ा भी हो और नेहुले का जो बच्चा छोटा सा बच्चा भी हो, सांप के टुकड़े छोटे छोटे से नेहुला कर देता है। उसी को लेकर मेरे साथ में कुछ लोग हैं, मैं इनसे बात करता हूँ किस तरह के नेहुले की लड़ाई होती है और कौन जीतता है इसमें। क्या कहना सांप और नेहुले की लड़ाई के बारे में? मैंने एक बात देखा है कि भले सांप कितना भी बड़ा हो, 10 फीट का हो, बड़ा हो, 5 फीट का बड़ा हो, और नेवला भले कितना भी छोटा हो, लेकिन सांप के टुकड़े टुकड़े कर देता हो, और मतलब जब तक उस पूरा उसके जान से नहीं मार दे, उसको छोड़ता नहीं हो। और एक बार अगर नेवला को सांप दिख जाए तो मतलब उसको बिल्कुल मार के रहता हो। और मैंने कई बार झगड़े देखे हैं इस रोड पर, मैंने देखा एक अभी कल परसों की बात है, एक 5.5 फीट का नाग था, उसको नेवले ने मतलब जब तक उसको टुकड़े नहीं कर दिए, उसको छोड़ा नहीं नेवले को उसने। और पहले भी मैंने कई बार देखा भले नेवला कितना भी छोटा हो और सांप कितना ही बड़ा हो, उसको मार के छोड़ता हो। क्या मानते हैं, क्यों, किस बात को लेकर रंजिश थी इन लोगों की, किस कैसे लड़ते थे, कुछ आइडिया आपको क्या, मतलब पुराने में कुछ मतलब आपको मालूम? ऐसा तो आज तक कभी देखा नहीं, लेकिन ये सुनने में पौराणिक कथा है कि सांप नेवले की लड़ाई होती, लेकिन नेवला छोड़ता नहीं उसको। आगे थे मेरे साथ में दिलीप जी देवड़ा, जो यहाँ पर कोर्ट में जो अभिभाषक है, और मेरे साथ में कुछ और भी लोग हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। जी भैया, क्या कहना सांप और नेवले की लड़ाई? ये एक बहुत पुरानी कहावत भी है सांप और नेवले की, हमने सभी ने सुनी है। और अभी देखने में आया है कि एक नेवला था और सांप काफ़ी बड़ा था, लेकिन उस नेवले ने आखिर उसको मार दिया। और ये हमेशा ऐसे ही होता है, सांप और नेवले की लड़ाई में हमेशा जीत जो है नेवले की होती है, चाहे सांप कितना ही जहरीला हो, लेकिन नेवला उसको टुकड़े टुकड़े कर देता, मारता तो है, लेकिन इस झगड़े की एक इनकी जो लड़ाई है इसमें एक विशेष बात यह रहती है कि नेवला जो है उसको टुकड़े टुकड़े करता है सांप को। और अभी हम लोगों ने भी देखा है, जो ये काफ़ी यहाँ पे भीड़ पे लग गई थी, ये सभी लोग थे, इनका कहना है कि सांप कितना बड़ा भी है और नेवला छोटा सा बच्चा हो, सांप के टुकड़े टुकड़े कर देता है। कहा जाता है कि सांप काफ़ी जहरीला होता है पर नेवले को जहर नहीं चढ़ता। कारण ये माना जाता है जैसी सांप और नेवले की जब लड़ाई चलती है तो सांप नेवले को ढस लेता है, तो उसके बाद जो नेवला जो होता है दूर जाकर सुसू करता है, उसके बाद जो उसका जहर होता है सब उतर जाता है। ऐसा एम टुडे के लिए विपिन चौहान मंदसौर। SRM टुडे, शहर की आवाज़।